हे गाइस, इट्स कैच फॉर आरबी हियर। सो गाइस, ये है हमारे पास आईपैड प्रो M1 एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारे एप्पल डिवाइसेस के बारे में कि आप उनमें बीटा सॉफ्टवेयर्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। एंड्रॉयड में इसे इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, आपको फ़ोन को रूट या फिर जेलब्रेक करना पड़ता है या फिर उसके बूट लोडर को अनलॉक करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें करने के लिए। बट एप्पल में आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे अपने किसी भी iOS डिवाइस में उसके बीटा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। साथ ही साथ इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन आंसर्स का भी आपको जवाब दूंगा, जैसे कि क्या बीटा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हुए आपके डिवाइस का डाटा डिलीट हो जाता है या फिर आपके डिवाइस को ब्रिक होने की कोई प्रॉब्लम आती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे हमारे पास iPad Pro M1 है। अगर मैं आपको अपनी सेटिंग्स में जाके इसके बारे में दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है iPad Pro 12.9 इंच का 5th जनरेशन। साथ ही साथ अगर मैं इसके सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो यहाँ पे इसमें अभी रन कर रहा है iOS 15.7 एंड यहाँ पे हम इसमें डाउनलोड करने वाले हैं iPadOS 16। सो उसको शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जब भी आप किसी भी डिवाइस में अपना बीटा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें तो आप उसका प्रॉपर तरीके से iTunes पे बैकअप ले लें, क्योंकि ना जाने में कुछ भी हो सकता है जिससे आपके सारे डिवाइसेस का डाटा जो है वो उड़ सकता है। सो गाइस, बैकअप लेने के बाद आपको अपने सफारी में जाना है। एंड गाइस, आपको एक छोटी सी बात मैं बता दूं, आपका डाटा तभी उड़ेगा जब आप अपने किसी अपग्रेडेड वर्जन से किसी लोअर वर्जन पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल iOS 16 से iOS 15 पे जाएंगे तभी आपका जो है डाटा लॉस देखने को मिलेगा। एंड गाइस, आप iOS 16 से 15 पे तभी जा सकते हैं जब तक एप्पल उसे अलाउ करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी iOS 16 का अगर आप बीटा इंस्टॉल करेंगे किसी भी iPhone में तो आप iOS 15 पे नहीं जा सकते, क्योंकि iOS 16 ऑफिशियली iPhone के लिए रिलीज़ हो चुका है। इसी तरह से आज हम इसमें iPadOS 16 डालने वाले हैं। एंड अभी के लिए अगर आपको iPadOS 16 से iPadOS 15 पे जाना तो वो पॉसिबल है। सो गाइस, बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस सफारी के पेज पे जाना है या फिर आप किसी भी ब्राउज़र से इस पेज पे जा सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। उस लिंक पे जाने के बाद आपको कुछ ये पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको साइन इन कर लेना है अगर आप अपनी एप्पल आईडी से यहाँ पे साइन इन करना चाहते हैं तो, वरना अगर आपके पास एप्पल आईडी नहीं है तो आप यहाँ से एक नई एप्पल आईडी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से साइन इन करूँगा। तो गाइस, जैसे आप इस वेबसाइट पर साइन इन कर लेंगे तो आपको कुछ ये इस तरह का पेज देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको सारे जो बीटा सॉफ्टवेयर है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। आपको यहाँ से जिस भी फ़ोन के लिए अपना बीटा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने iOS के लिए करना है या फिर अपने iPhones के लिए करना है तो आपको iOS पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे इनरोल योर iOS डिवाइस पे क्लिक करना है। अभी हम iPadOS इंस्टॉल करने वाले हैं अपने iPad में, तो मैं यहाँ पे करूँगा इनरोल योर iPad। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ये पेज देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको दूसरे ऑप्शन पे जाना है और डाउनलोड प्रोफाइल पे क्लिक करना है। इससे आपके iPad के अंदर एक प्रोफाइल डाउनलोड हो जाएगी, आपको यहाँ से अलाउ कर देना है। एंड ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो मैसेज देखने को मिला है वो देखने को मिला है कि जो आपकी प्रोफाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। सो यहाँ पे क्लोज करने के बाद आपको अपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद मैं आपको सबसे पहले इसका सॉफ्टवेयर वर्जन दिखा देता हूँ। अगर मैं अभी सॉफ्टवेयर अपडेट में जाता हूँ तो मुझे जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है iPadOS 15.7। वहीं पे इस प्रोफाइल को डाउनलोड करने के बाद, फॉर एग्जांपल ये वो प्रोफाइल है, आपको सबसे ऊपर इसकी नोटिफिकेशन दिख जाएगी। यहाँ से मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ एंड यहाँ से आप अपने जो iPad का वो पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे तो जिससे ये प्रोफाइल जो है वो आपके iPad में इंस्टॉल हो जाएगी। ये गाइस बीटा सॉफ्टवेयर के लिए प्रोफाइल है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने iPad को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। मैं फटाफट से अपने iPad को रीस्टार्ट करता हूँ और वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मेरा जो iPad है वो रीस्टार्ट हो चुका है। रीस्टार्ट करने के बाद हम वापस अपनी सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद हम दोबारा सॉफ्टवेयर अपडेट में जाएंगे और अब दोबारा से चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे आप अभी नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिल चुका है जो कि है iPadOS 16 पब्लिक बीटा 4। एंड गाइस, बीटा भी एप्पल में दो तरह के होते हैं, डेवलपर बीटा एंड पब्लिक बीटा। तो आपके पास अगर डेवलपर अकाउंट है तो ही आप डेवलपर्स जो बीटा है उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। वो आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल जब भी आपको WWDC देखने को मिला था उसके 1 मंथ बाद ही आपको जो है डेवलपर बीटास देखने को मिल गए थे, लेकिन वहीं पर पब्लिक बीटा को आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये उससे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उससे ज़्यादा सिक्योर होते हैं, इससे आपके डिवाइस को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीटा सॉफ्टवेयर में आपको काफ़ी बग्स देखने को मिलते हैं, सो उसकी वजह से ही यहाँ पे दो तरह के बीटा सॉफ्टवेयर्स रिलीज़ किए जाते हैं,
पब्लिक बीटा आपको ज़्यादा स्टेबल देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आप यहाँ पे एप्पल को अपने सारे फीचर्स को रिपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो। इससे नेक्स्ट वीडियो में गाइज हम जानेंगे कि आपको आईपैड ओएस 16 में क्या कुछ नया देखने को मिलता है। साथ ही साथ मैं आपको ये चीज़ और बता दूं कि जब भी आप पब्लिक बीटा से स्टेबल के वर्जन पे आएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप आईपैड ओएस 16 पब्लिक बीटा से नॉर्मल आईपैड ओएस 16 पे आएंगे तो आपका कोई भी डाटा लॉस यहाँ पे नहीं होगा, जबकि अगर आप आईपैड ओएस 15 पे वापस आएंगे तो आपको यहाँ पे डाटा लॉस देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ बीटा सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे कि आपकी बैटरी पे कुछ असर पड़ सकता है जिससे आपको बैटरी लाइफ बहुत ही कम देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको कुछ जगह पे यहाँ पे बग्स देखने को मिलेंगे। बट गाइस जैसे ही आपका ऑफिशियल आईपैड ओएस 16 का वर्जन आएगा आप डायरेक्ट बीटा से उस ऑफिशियल वर्जन पे जा सकते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आप कैसे अपने नॉर्मल बीटा वर्जन से ऑफिशियल वर्जन पे जाएं। सो गाइस यही थी सारी वीडियो आईपैड ओएस 16 को कैसे इंस्टॉल करना है सारे आईपैड्स में अभी के टाइम पे। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा आईपैड ओएस का बीटा सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। सो गाइज़ जब तक ये इंस्टॉल होता है मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको इसके अंदर क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको इस आईपैड ओएस 16 के अंदर क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला और किस वजह से मैंने आईपैड ओएस 16 को अपने आईपैड ओएस में डाला है। सो गाइस ये इस पेज पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आईपैड ओएस के बारे में। सबसे पहले इसमें आपको नई तरह के फोटोज़ ऐप देखने को मिलेगी जिसमें आप अपने फोटोज़ को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको आईक्लाउड के अंदर शेयर्ड फोटो लाइब्रेरी देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे शेयर के आपको और भी नए ऑप्शंस देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को एडिट करोगे तो वो आपके आईक्लाउड में अपडेट हो जाएगी, जिससे आपके फैमिली के आईक्लाउड के अंदर भी वो चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। यहाँ पे आपको मैसेजेस के अंदर सेंड के बाद उसे एडिट करने का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ मैसेजेस के अंदर ही आपको शेयर प्ले एंड कोलैबोरेशन का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, यानी कि आप किसी भी ऐप के अंदर कोलैबोरेशन को एक्टिवेट करके साथ ही साथ अपने फ्रेंड से उस एप्लीकेशन के बारे में चैट कर सकते हैं और उसमें एडिट भी कर सकते हैं। मेल्स के अंदर आपको अंडू सेंड का ऑप्शन, शेड्यूल सेंड का ऑप्शन, फॉलोअप एंड जो लिंक्स हैं उनको ऐड करने का ऑप्शन बहुत ही अच्छे से इनबिल्ट मिलने वाला है। साथ ही साथ आपके जो मेल के अंदर आपको सर्च ऑप्शन देखने को मिलता है उसे भी बहुत ही ज़्यादा इन्हांस कर दिया गया है। इसके बाद आपको सफारी एंड पासकीज़ के अंदर नए ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे पासकीज़ को इंट्रोड्यूस करा गया है जो कि पहले से ज़्यादा ईजी है एंड पहले से ज़्यादा सिक्योर है। यहाँ पे आप अपने जितने भी टैब्स को ओपन करते हैं सफारी के अंदर उन्हें भी आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड जो मेरा फेवरेट फीचर है आईपैड ओएस 16 का वो है गाइस ये स्टेज मैनेजर, जिसमें आपको एक नए तरीके की मल्टीटास्किंग देखने को मिलती है अपने आईपैड ओएस के अंदर, जिससे आप बहुत ही सारी ऐप्स एक साथ खोल सकते हैं, आप अपने आइडियल वर्कस्पेस के अंदर काम कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी के साथ आपको एक्सटर्नल डिस्प्ले सपोर्ट देखने को मिलने वाला है जो कि प्रॉपर है आईपैड ओएस 16 के अंदर। आईपैड ओएस 15 के अंदर आपको देखने को मिलते थे बड़े बड़े ब्लैक बार्स लेफ्ट राइट साइड में, बट यहाँ पे डिस्प्ले स्केलिंग के काफ़ी अच्छे से ऑप्शन को एडिट करके इन्हांस किया गया, जिससे आपको एक्सटर्नल डिस्प्ले सपोर्ट और भी अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको न्यू डिस्प्ले मोड्स देखने को मिलते हैं जो है रेफरेंस मोड। ये ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए या फिर फोटो एडिटर वीडियो एडिटर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप अपने 12.9 इंच के जो आईपैड है वहाँ पे आपको सुपर रेटिना एचडीआर डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ उस डिस्प्ले को आप एज अ रेफरेंस मोड यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा रिच कलर्स देखने को मिलते हैं। आप उसको प्रॉपर एक 4K डिस्प्ले की तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक नया डिस्प्ले स्केलिंग का ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप अपने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से स्केल कर पाएंगे एंड जो आपका बड़े आईपैड्स हैं उनमें आप स्पेस का अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। आपको एक नया वेदर ऐप देखने को मिलता है जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से डाटा को इंटीग्रेट किया गया है एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको लाइव वेदर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है जो कि लाइव एनिमेशंस के साथ आपको देखने को मिलता है। अगर हम गेम्स की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा एडवांस गेमिंग फीचर्स देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ आपका जो गेम सेंटर है उसे भी रीडिज़ाइन कर दिया गया है, जिससे कि आप उसे बहुत ही आसानी से देख पाएँ एंड अपने कम्पिटिट कर पाएँ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। यहाँ पे आप शेयर प्ले के साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक साथ खेल सकते हैं एंड यहाँ पे एडवांस गेमिंग फीचर में आपको अमेजिंग विजुअल एक्सेलरेटेड परफॉर्मेंस एंड क्विकर लोडिंग का ऑप्शन भी दिया गया है, जिससे आपके गेम बहुत ज़्यादा स्मूथ, बहुत ही ज़्यादा विजुअली अट्रैक्टिव एंड साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको AI का यूज़ करके किसी भी फोटो को उसके बैकग्राउंड से अलग करने का ऑप्शन भी दिया गया है। साथ ही साथ आप किसी भी वीडियोज़ में से या फिर किसी भी फोटोज़ में से टेक्स्ट को जो है वो कॉपी कर सकते हैं। इसी के साथ आपको लाइव टेक्स्ट क्विक एक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे सीरी भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुकी है, जो आपकी कमांड का यूज़ करके ही आपके लिए शॉर्टकट क्रिएट कर सकती है, जिसके लिए आपको पहले प्रॉपर सेटअप करना पड़ता था। यहाँ पे आपको एक नई तरह की होम ऐप देखने को मिलती है जो आपके होम डिवाइसेस के साथ बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो सकती है, उनको मैनेज कर सकती है। फैमिली शेयरिंग के काफ़ी ऑप्शन है, जैसे कि आप अपने किसी भी चाइल्ड का अकाउंट जो है या फिर उसका जो फ़ोन है वो अपने आईपैड ओएस से सेटअप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे फैमिली चेकलिस्ट देखने को मिलती है
और फ्यूचर में आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐप्स में इन्हांसमेंट देखने को मिलेंगे, जो कि डेस्कटॉप क्लास की आपको ऐप्स देखने को मिलने वाली हैं iPadOS के अंदर। यहाँ पे एक नई ऐप आपको देखने को मिलेगी जो कि है फ्री फॉर्म। यहाँ पे कोलैबोरेटर्स के लिए बनाई गई है, इसमें आप लिंक शेयर कर सकते हैं, उसी सेम फाइल के ऊपर एक टाइम पे बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, जिससे कि आप अगर कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। एक्सेसिबिलिटी के अंदर आपको फ्रेंड्स के साथ गेमिंग के ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी एक साथ कंट्रोलर का यूज़ करके गेमिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे नए फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। इस पेज का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप सारे फीचर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से देख पाएँ, उनको रीड कर पाएँ। iPad OS इन सारी डिवाइसेज में आने वाला है, आप यहाँ से लिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। iPad Pro के सारे मॉडल्स में, iPad Air के थर्ड जनरेशन से ऊपर ऊपर के मॉडल्स में, iPad नॉर्मल iPad के फिफ्थ जनरेशन से ऊपर ऊपर के iPad में, साथ साथ iPad Mini फिफ्थ जनरेशन से, iPad Mini के जो भी नेक्स्ट जनरेशन आए हैं, फॉर एग्जांपल iPad Mini 6, उनमें। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो iPad OS से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरी अपडेट है वो जस्ट कंप्लीट होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस अपडेट में आपको क्या कुछ नया देखने को मिलता है, या फीचर्स ये सारे किस तरह से काम करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। सो गाइज, यही थी सारी वीडियो iPad Pro M1 को लेके। अगर आप किसी भी अपने iPad OS डिवाइस में या फिर iOS डिवाइस में इस बीटा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, तो उससे कोई खास ज़्यादा प्रॉब्लम आने नहीं वाली। सारी चीज़ों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे चुका हूँ। आई होप आपको वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।